नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता था, हमारा रस का टॉपिक चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमें रस के प्रकार पढ़ने हैं। वैसे कल की क्लास में मैंने प्रकार में सबकी परिभाषाएं बता दी थी, लास्ट वाला रह गया था तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे, पर एक बार फिर से रिविजन करा देती हूँ क्योंकि आज जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, वो पूरा परिभाषा पर ही निर्भर है। तो पहली चीज़ तो आपको पता ही होगा कि श्रृंगार यहाँ गलत लिखा है, श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं। और सबसे पहला रस कौन सा रस है, तो वो है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस क्या होता है, तो जहाँ नायक नायिका के बीच प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। और ये जो रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेम। रति जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेम। और श्रृंगार रस जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। एक कौन सा श्रृंगार है, संयोग, और दूसरा है वियोग। संयोग में तो आपको पता ही है, जहां नायक नायिका के मेल का वर्णन हो वहां क्या होता है, संयोग श्रृंगार। और जहां नायक नायिका के वियोग होने का, अलग होने का वर्णन हो वहां होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो ये तो दो चीज मैंने आपको बताई है। पहले आप परिभाषा समझिए, फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। जो मैंने आपको बताया है सेम वही चीज यहाँ पे लिखी है और कुछ भी अलग नहीं लिखा है। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हुई है, दूसरे नंबर का रस गलती से यहाँ 3 लिखा है। खैर, इतना हम सब समझते हैं। हास्य रस एक ऐसा रस होता है, मैंने कल भी बताया था, जहाँ किसी की विकृत वाणी यानी अजीब सी वाणी हो, अजीब सी वेशभूषा हो, या कोई अलग ही उसका आकार हो जिसे देखकर या सुनकर आपको हंसी उत्पन्न आ जाए, यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो वहाँ कौन सा रस होता है, हास्य रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास, या जिसे हम कहते हैं हंसी। हास, या जिसे हम क्या कहते हैं, हंसी। क्लियर? तो मैंने आपको दूसरा रस भी बता दिया है। अगले रस की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रस है करुण रस। करुण रस एक ऐसा रस होता है जहाँ प्रिय की मृत्यु से चित्त में यानी मन में विकलता या दुख उत्पन्न होता है। तो एक ऐसा रस जहाँ पर शोक की भावना होगी, और जहाँ पर भी शोक की भावना हो वहाँ कौन सा रस होगा, करुण रस। भाई, वियोग में और शोक में काफ़ी अंतर है। वियोग एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होती है, केवल एक दूसरे से अलग होने का भाव होता है, या व्यक्ति इसमें एक दूसरे से केवल और केवल अलग होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ शोक की, तो शोक की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी की मृत्यु होती है। तो इन दोनों में ही बहुत अंतर है। मैं आपको उदाहरण से भी इसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। और इसके स्थायी भाव क्या होता है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, होता है शोक। अगले रस की तरफ आते हैं। अगला रस है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस एक ऐसा रस है जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध, जहाँ क्रोध नामक स्थिति का वर्णन हो, या कोई ऐसी बात किसी के द्वारा कही जाए, या कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसे देखकर हमें क्रोध की भावना जागृत हो, तो वहाँ कौन सा रस होता है, रौद्र रस होता है। क्लियर? और ये कौन से नंबर का रस है, तो ये चौथे नंबर का रस है। अगले की तरफ आते हैं। पांचवा रस है आपका वीर रस। पांचवे रस का नाम क्या है, वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ वीर रस होता है। या मैं आपको बुक की परिभाषा के हिसाब से बताऊं तो शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त करता है वह वीर रस कहलाता है। और इसका स्थायी भाव उत्साह है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, या आपका रिटन एग्जाम है तो आप ये भी बता सकते हो कि जो वीर रस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अति महत्वपूर्ण, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि 4 प्रकार के होते हैं। सबको लगता है वीर रस मतलब वीरता का भाव होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। नहीं, वीरता भी जो है ना वो 4 रूप में होती है। युद्ध में वीर में भी जो है ना 4 तरह के वीर होते हैं, जैसे एक होता है युद्ध वीर, एक होता है धर्म वीर, दान वीर और दया वीर। 4 तरह के वीर होते हैं। क्या बोला है मैंने, युद्ध वीर, धर्म वीर, दान वीर और दया वीर। आप चाहें तो इसे भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम वीर रस के बाद, है भयानक रस। भयानक रस एक ऐसा रस है जहाँ पर भय नामक स्थिति का वर्णन होता है, जब भय जैसी स्थायी भाव विभाव अनुभव से संयोग करते हैं तो भयानक रस होता है, जैसे शेर,
चीता, अजगर, बलिष्ठ, निर्जन या भयानक दृष्टि से इत्यादि से यदि भय का संचार होता है तो उसी को क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव तो सबको पता ही है क्या होता है? भय होता है। क्लियर? अगले रस की तरफ आते हैं। भयानक रस के बाद है विभत्स रस। कल मैंने आपको विभत्स की कई सारी चीजें बताई थी, घृणा के बारे में बताया था कि घृणा किस तरह से आपके मन में उत्पन्न होती है या कैसे हमें किसी चीज से घिन आती है। तो जहाँ घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न हो यानी घृणा आए, घिन आए, तो वहाँ कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। जैसे युद्ध के पश्चात चारों ओर शव बिखरे हों तो हमें क्या होगी? घृणा होगी, घिन आएगी। या अंग आदि कटकर गिर गए हो या गिद्ध और कौवे शव को नोच रहे हो, यदि ऐसी कोई स्थिति होगी तो जाहिर सी बात है हमें घिन आएगी, घृणा आएगी। और यदि इस तरह से हमें घृणा आती है तो वहाँ कौन सा रस होता है? विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या आपको मिल जाएगा घृणा। जुगुप्सा या आपको मिल जाएगा घृणा। क्लियर? नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस एक ऐसा रस होता है जहाँ आश्चर्यजनक स्थिति का वर्णन होता है, जहाँ पर चकित कर देने के दृश्य या प्रसंग के चित्रण से रस उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। क्या है? तो इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। आश्चर्य आप बाद में बताएंगे, पहले आप क्या बताएंगे? विस्मय। किसे महत्व देना है ये तो मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ। पहली चीज सीक्वेंस का विशेष रूप से ध्यान रखना है और दूसरी चीज आपको सबके स्थायी भाव का ध्यान रखना है। कहाँ आपको जुगुप्सा आंसर देना है, कहाँ आपको घृणा आंसर देना है, या कहाँ आपको आश्चर्य बताना है, या कहाँ आपको विस्मय के बारे में बताना है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगले रस की तरफ आते हैं, शांत रस। जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो वहाँ कौन सा रस होता है? तो वहाँ शांत रस होता है। या दूसरी भाषा में समझते हैं, जहाँ सांसारिक मोह माया से दूरी की बात की जाए वहाँ कौन सा रस होता है? तो वहाँ शांत रस होता है, जिसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या वैराग्य। सब लिखवाया है ये मैंने, आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने जब अंग पढ़ाए थे तो अंग के बाद स्थायी भाव बताए थे, क्योंकि उसमें अंग में पहला भाव स्थायी भाव ही था। तो मैंने आपको पूरा बताया था कि किस रस का स्थायी भाव क्या होता है या उसकी संख्या कितनी होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। दसवां रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस एक ऐसा रस है जहाँ पर बच्चों की आनंदमयी क्रियाओं का वर्णन होता है, और जहाँ पर बच्चों की आनंदमयी क्रियाएं हो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। इसमें एक लास्ट भक्ति रस और बाकी है, कल यही रह गया था इसे पढ़ने के लिए, फिर से मैंने पूरा पढ़ाया ताकि आपको फिर से रिविजन हो जाए आपका और आप अब आंसर ठीक से दे सको या आप उदाहरण की पहचान कर सको। अच्छा एक चीज और, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। वत्सल होता है, जो कि मैंने आपको लिखवाया है। लास्ट है भक्ति रस। भक्ति रस एक ऐसा रस है जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है, तो वहाँ भक्ति रस होता है। क्लियर? और दूसरी चीज की, इसका स्थायी भाव क्या होता है? देव विषयक रति या ईश्वर रति, ऐसा मैंने आपको लिखवाया था ना, ईश्वर विषयक रति, ईश्वर रति या देव विषयक रति, हमने ये चीज कल की क्लास में पढ़ी थी। अब क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पेपर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, यदि रिटर्न एग्जाम है या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितना पढ़ा रही हूँ आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि यदि आपसे पूछा गया कि वात्सल्य रस क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल सिंपल सी इसकी परिभाषा देनी है, और परिभाषा देने के बाद एक से दो उदाहरण लिख दीजिएगा तो फिर वो उसमें हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। या कोई ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका तो आपको क्या करना है, ऑप्शन मिलेंगे आपको, पहली चीज तो वो उदाहरण देंगे आपसे, और उदाहरण देखकर हमें पढ़ के पहचानना है कि वो वात्सल्य रस है या कोई दूसरा रस है। इस प्रकार से आपको अलग अलग तरीके के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर हाँ मिलेंगे इसी तरह से, कुछ अलग इसमें नहीं आएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैं मिक्स उदाहरण आपको बताऊंगी। मिक्स उदाहरण मतलब मैं कोई सीक्वेंस में नहीं चल रही हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको रटवाने का, मैं आपको बिल्कुल ऐसे उदाहरण बताऊंगी जो कि पेपर में आते ही आते हैं, प्रीवियस ईयर वाले ही लेके चल रही हूँ, उसके हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा। और दूसरी चीज़,
रटिएगा नहीं क्योंकि रटने से कुछ नहीं होगा। यदि आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगी कि उसका कारण क्या है। देखिए सबसे पहली चीज तो रस का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमें ज़्यादातर दिक्कत कहाँ जाती है, उदाहरण का अर्थ निकालने में। अब वो अर्थ कैसे निकालेंगे, तो मैं पहले दिन से ही बोल रही हूँ, यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो आपको पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए, क्योंकि पूरा अलंकार और जो आपका रस का टॉपिक है ना वो इसी पर निर्भर होता है। यदि आपको पर्यायवाची याद है तो आप बता सकोगे कि हाँ इसका ये अर्थ भी होता है। अब मैंने लिख दिया क्या अक्षी, कहीं पर मैंने उदाहरण में लिख दिया अक्षी, अब आपको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। आँख, अक्षी, चक्षु, नेचन, नेत्र, नयन, इस प्रकार से इसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जब पता ही नहीं होगा, पढ़ोगे ही नहीं, तो कैसे पता पाओगे कि अक्षी का मतलब क्या होता है, दृघ का मतलब क्या होता है, या अवयव का मतलब क्या होता है। ऐसे करके कई सारे पर्यायवाची हैं जिसका अर्थ आप नहीं बता पाओगे, पर डेली पांच पांच भी पढ़ोगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे मैं आपको बताते चलूँगी कि आपको उदाहरण निकालने कैसे हैं। एक चीज़ और, हमें पूरा नहीं निकालना है, पूरा तो आप निकाल भी नहीं पाओगे, आप थोड़ा थोड़ा करके उदाहरण निकालिएगा, उसका अर्थ निकालिएगा और ऑप्शन की मदद ज़रूर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम उदाहरण, सिंपल और डिफिकल्ट दोनों उदाहरण रहेंगे। और हाँ, पहले पूरा पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा, या फिर आप बाद में क्लासेस देखते हैं ना तो भी आप यही करा करो, मैं उदाहरण लिखूंगी तो आप पहले खुद आंसर दीजिएगा उसके बाद मेरा आंसर सुनिएगा। आपको ये नोट करते हुए चलना है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगी ताकि आप इसका सही आंसर दे सकें, क्योंकि ऑप्शन नहीं दूंगी तो रस में जो आपके पास ऑप्शन बचेंगे वो 11 ऑप्शन बचेंगे, पर मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, जैसे एक वात्सल्य रस ऑप्शन है आपके पास, श्रृंगार रस ऑप्शन है आपके पास, या फिर भक्ति रस है आपके पास ऑप्शन में, नहीं तो फिर अद्भुत रस है। अब ध्यान से सुनिएगा, और या आप लोग देख रहे हैं तो आंसर दे सकते हैं, वरना मैं तो आंसर बता ही दूंगी कि इसमें कौन सा रस होगा। पता हो तो भाई आंसर दे देना, बाकी ध्यान से सुनिएगा। कोई भी उदाहरण जल्दीबाजी में हम आंसर नहीं लगाएंगे, उसमें पहले उसके अर्थ को थोड़ा समझेंगे। मैंने आपको ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं जिसमें आप उलझ जाओ, जान बुझ के दिए ताकि आप उलझ जाओ, ताकि मैं बता सकूं कि करना क्या रहेगा। इसे पढ़ के काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि वात्सल्य रस है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे शब्द दिख गए हैं, जैसे देखो मुरली मिल गया है आपको और यहाँ पर लुकाए शब्द आ गया है, तो हमें लग रहा है मुरली है, लुकाए है, और यहाँ लालच के बारे में बात चल रही है, तो हम बुद्धि लगा लेते हैं कि यहाँ पर कोई छोटा बच्चा ही होगा, जो कि है नहीं। इसका सही आंसर पता है क्या है? श्रृंगार रस है। क्यों है, उसके पीछे कारण है, इसके अर्थ को समझिएगा। पूछा गया है, ये बताया गया है हमको, बदरस लालच लाल के मुरली धरी लुकाए, तो ये श्री कृष्ण भगवान और गोपियों के बीच के बारे में बात है। तो जो गोपियां हैं ना वो श्री कृष्ण भगवान से बातों की लालच के कारण, बदरस लालच लाल के मतलब वो श्री कृष्ण भगवान से बातों की लालच के कारण उनकी जो मुरली है ना उसे लुका देती है, मतलब उन्हें
छुपा देती हैं। छुपा देती हैं क्यों? क्योंकि अगर वो उनकी मुरली को छुपा देंगी, लुका देंगी, श्री कृष्ण भगवान उनके पास जाएंगे, फिर वो उनसे बातें करेंगे, गोपियों को अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की मुरली को छुपा दिया। पर क्या हुआ, सोह करे भोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। फिर श्री कृष्ण भगवान भाई जाते हैं, ढूंढते ढूंढते मेरी मुरली कहाँ है वो पूछते हैं और उसे बोलते हैं कि मेरी मुरली वापस करो। तो गोपियां क्या करती हैं, उन्हें देखती हैं, देख के उनका मजाक उड़ाती हैं, उन्हें अपनी भौहें दिखाकर हंसने लगती हैं, चढ़ाने लगती हैं और उन्हें मुरली देने से मना कर देती हैं और उन्हें मुरली देने से मना करती हैं। और यहाँ पर कोई बाल क्रीड़ा नहीं है, यहाँ पर गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बताया गया है। और यदि ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, और श्रृंगार में भी कौन सा श्रृंगार होता है, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। क्लियर? क्योंकि प्रेम की बात चल रही है ना, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बताया गया है, वियोग तो नहीं बोला है ना, इसलिए कौन सा रस होगा, संयोग श्रृंगार। जहां ना समझ में आए कमेंट करके बोलना, फिर से समझा दूंगी। यहाँ पे कोई बाल क्रीड़ा नहीं हुई है, श्री कृष्ण भगवान ने कोई बाल क्रीड़ा नहीं करी है या उनके बचपन की बात नहीं हुई है। गोपियों ने एक ऐसा काम किया था कि श्री कृष्ण भगवान को वो परेशान कर सके और अपने प्रेम प्रसंग का उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगले उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं। ये थोड़ा जान मुश्किल डिफिकल्ट दिया था, अब थोड़ा सिंपल उदाहरण देती हूँ, आप इस उदाहरण को उदाहरण से ही इसका आंसर निकाल लेंगे। और एक चीज और, मैं ऑप्शन लिख रही हूँ, आप ऑप्शन मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, आपको समझाने के लिए ऑप्शन दिया है बस मैंने। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक, हुआ योग से भी अधिक, उसका विषम वियोग, उसका विषम वियोग। यदि आप इस उदाहरण को ध्यान से पढ़ोगे तो इसी में आंसर छुपा हुआ है, और इसी में आंसर छुपा है तो आप आंसर बता सकोगे। यहाँ पे क्या बोला है, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, और उस भोग से भी अधिक क्या हो गया, उसका विषम वियोग हो गया। नायक नायिका के बीच में यहाँ पे भी बात चल रही है। एक समय ऐसा था कि दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्रिय मूर्ति थी, एक दूसरे की आंखों में वो अपने आप को ही देखते थे, जिसके कारण वो सारे भोग विलास मतलब दुनियादारी को भूल गए थे। और फिर एक समय ऐसा आया कि उस योग से भी अधिक उनका क्या हो गया, विषम वियोग हो गया, यानी क्या हो गया, वो अलग हो गए। अलग हो गए मतलब यहाँ पर कौन सा रस होगा, तो यहाँ पर होगा वियोग श्रृंगार। क्लियर? कौन सा रस होगा, तो यहाँ पर होगा वियोग श्रृंगार। आसान था ये तो आप आसानी से बता सकते थे। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं हम, इसको ऐसे ही नोट करना है। अगला उदाहरण है हमारा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जल निधि डूबी, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, देख मुख जिसका मैं
देख मुख जिसका मैं आज तक जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। चलिए, ये मत सोचना इतना बड़ा उदाहरण आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। वो आपको दो लाइन का भी दे सकते हैं, एक लाइन का भी दे सकते हैं, तीन का, चार का, पांच का, छः का, जितने का उनका मन करेगा वो उतने का उदाहरण दे सकते हैं। तो इस चीज़ से तो निश्चिंत ही रहना कि आप फ्री रहोगे या आप एक लाइन में ही आंसर बता दोगे। और एक चीज़ और, यदि चार लाइन है ना तो चारों पढ़ के आंसर देना, एक लाइन पढ़ के ही आंसर मत देना। हाँ, तो भैया बताइए कमेंट करके, शाश्वत गुप्ता जी आप देख रहे हैं क्लास, तो पटाख से कमेंट करके बताओ कि इसमें रस कौन सा है। देखें आपसे बन रहा है कि नहीं, बाकी सब तो लग रहा है कि ऑफलाइन ही देखते हैं इसे। ट्राई करिएगा और बताइएगा इस उदाहरण को पढ़ के आपको क्या लग रहा है। लाइव देखने में काफी बेनिफिट है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं आप लोग, बाकी आप अभी लाइव है तो आप बता सकते हैं, बाकी वरना मैं तो आंसर बता ही दूंगी। विभत्स रस, देखो विभत्स रस एक ऐसा रस होता है ना जहां पर हमें घृणा आए। इसे पढ़ के घृणा तो आ नहीं रही है, घिन आ रही है क्या? जुगुप्सा या घृणा उसका स्थायी भाव है ना, तो जहां पर तुम्हें घृणा आए वहां पर तो विभत्स रस होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पत्नी अपने पति के शोक में लोगों से प्रश्न पूछ रही है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, यानी मेरा प्राणों से भी प्यारा पति कहाँ है, मेरे जो दुखों का भंडार था उसका सहारा कहाँ है, जिसका मुख देखकर मैं आज तक जी रही थी, वह हृदय मेरा आंखों का नैनों का तारा कहाँ है। तो इसे पढ़ के हमें क्या लग रहा है, एक तो उसके पति की क्या हो गई मृत्यु, तो वो उसके शोक में ही लोगों से क्या पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है। भाई मरने के बाद, किसी के मरने के बाद हमें होश रहता है? नहीं ना, अब उसके तो पति की ही मृत्यु हो गई है। अगर अब किसी को लग रहा है कि यहाँ लिखा तो है नहीं कि मृत्यु हो गई, भाई पढ़ के तो समझ में आ रहा है ना। अगर वैसे तो यहाँ पे प्रिय पति लिखा है, मान लो अगर मृत्यु नहीं होती तो क्या वो लोगों से ऐसे प्रश्न पूछती, या मान लो दोनों अलग हुए होते, पति पत्नी भी तो अलग हो सकते हैं, और अगर अलग हुए होते हो तो आपसी समस्या अलग होते। इसे पढ़ के तो अलग ही दिख रहा है कि भाई मृत्यु हुई है तभी तो लोगों से पागल मन में वो प्रश्न पूछ रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा, तो यहाँ पर होगा करुण रस, क्योंकि यहाँ पर शोक की बात चल रही है। क्लियर? तो विभत्स यहाँ पर नहीं होगा। विभत्स कब होगा तो मैं आपको बताऊंगी, कैसी स्थिति घृणा, अभी मैंने परिभाषा में बताया था ना, इसलिए कह रही हूँ नोट करते रहो ताकि अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं तो आप तुरंत पेज पलट के तो देख सको। चलो आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण देखते हैं, फादर ने बनवा दिए तीन कोट छह पैंट, फादर ने बनवा दिए तीन कोट छह पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। चलो भाई फटाक से आंसर दो जरा कि कौन सा रस होना चाहिए। इसे पढ़ के कुछ लग रहा है क्या आपको, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, हंसी तो आ ही रही होगी कि नहीं आ रही? और ये उदाहरण मैंने नहीं बनाए हैं, ये उदाहरण ऐसे ही है, वरना तुम सोचो कि ये हिंदी में इंग्लिश कहाँ से घुस गई, तो ये आए हुआ ही उदाहरण है, ये पूछा जा चुका है,
वही मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें कौन सा रस है, तो इसमें हास्य रस है। पढ़ के तुम्हें हंसी नहीं आ रही है इसको। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। पढ़ के ही हमें हंसी आ रही है, इसलिए यहाँ कौन सा रस होगा, हास्य रस। मैंने ही आपको वो पूरी स्थितियां बताई थी, उसमें से ये काम भी कर रही है, तो हम क्या बताएंगे इसमें कौन सा रस है, हास्य रस। हर तरीके के उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अब श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठकर खड़े, उठकर खड़े। अच्छा, बड़ा उदाहरण है ये भी, और ये भी इम्पोर्टेंट है। बताओ भाई कौन सा रस होना चाहिए इसमें, पढ़ के क्या लग रहा है? पहली चीज तो अगर आप ऊपर की लाइन केवल पढ़ोगे तो अलग रस निकलेगा, और नीचे की 2 लाइन पढ़ोगे तो अलग रस निकलेगा। लेकिन आपको आंसर पूरी 4 लाइन पढ़ के देना है कि श्री कृष्ण, वैसे ये सबको पता होगा कि ये उदाहरण कब का है, महाभारत का ये उदाहरण है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे, और क्रोध के कारण सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जैसे हम नहीं कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, सारी चीजें छोड़ के गुस्से में ऐसे ऐसे नहीं करने लगते, हाथ पैर मलने लगते हैं, तो वही चीज अर्जुन जी ने भी की थी। सारे काम का सारी चीजें छोड़कर वो बहुत क्रोधित हो गए थे, और उसके कारण अपने हाथ पैर जोर जोर से मलने लगे थे। और फिर उन्होंने कहा, संसार देखो अब हमारे जो शत्रु हैं वो रणभूमि में मरे पड़े हैं, और यही घोषणा वह करते हुए वह उठकर खड़े हो गए। अब तुम कहोगे उठ के खड़े हो गए मतलब वीरता आ गई, वीरता तो बाद में आई ना, वीरता के पहले तो क्रोध आया, गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद वीरता आई। तो महत्व किसको दोगे, क्रोध को या वीरता को? क्रोध को दोगे ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रौद्र रस। क्या होगा इसका आंसर, रौद्र रस। क्लियर? इसको ऐसे ही नोट करिएगा, फिर हम अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी। इसका आंसर दीजिएगा भाई शाश्वत जी, आप आंसर दीजिएगा इसका, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालो सी।
चलो भाई ट्राई करें इसको, थोड़ा बहुत अर्थ निकालें, वरना फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कौन सा रस है। बहुत ही इजी है ये भी, बस थोड़ा मीनिंग निकालना है। अच्छा किसके बारे में बात चल रही है? तो बड़ी बड़ी जो सिंधु लहरें होती हैं ना, उनके बारे में बात चल रही है, जो कि क्या हो रही है, गरज रही है। तो गरजती हुई बड़ी बड़ी सिंधु लहरें कुटिल काल के जालों सी रौद्र रस। रौद्र रस क्यों भाई, क्रोध की भावना है क्या यहाँ पे? ऐसा कुछ तो नहीं है। अच्छा ठीक है सुनो, पहले तो जो बड़ी बड़ी लहरें हैं सिंधु लहरें, वो गरजती हुई आ रही है। तो तुमने गरजती का मतलब क्रोध से ले लिया होगा। आगे भी पढ़ो, कुटिल काल के जालों सी मतलब जालों के समान, कुटिल मतलब बुरी चालबाज, जो बड़ी सिंधु लहरें हैं वो बुरी चालबाज जालों के समान चली आ रही फैन उगलती। फैन मतलब होता है झाग, तो वो झाग उगलती हुई फन फैलाकर व्यालों के समान यानी सांप के समान आ रही है। और यदि ऐसा कोई दृश्य तुम्हारे सामने होगा तो क्या तुम्हें गुस्सा आएगी? यदि ऐसा कोई बड़ी बड़ी लहरें तुम खड़े हो और तुम्हारे सामने आ रही है, तो तुम तो सीधे निपट ही जाओगे। निपट जाओगे मतलब तुम्हें डर लगेगा ना पहले कि अरे वो तो मेरे पास ही आ रही, भागने की कोशिश करोगे। तो जब डर लगेगा तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। कौन सा रस होगा? तो फिर यहाँ पर होगा भयानक रस, क्रोध की भावना नहीं होगी। वेरी गुड। अब आया भय। भय इसी स्थिति में ही होगा, ठीक है? तो ऐसे उदाहरण किस में जाएंगे? भयानक रस में। और समझते हैं, चलो और दूसरे उदाहरण देखते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। पहले पूरा उदाहरण पढ़िएगा, जो पहले वाले उदाहरण में सोचा था ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। आपको पहले पूरा उदाहरण पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा अर्थ निकालना है, और फिर उसके बाद सही आंसर देना है। ट्राई करें उसके बाद मैं, वरना आंसर बता ही दूंगी कि इसका सही आंसर क्या है। कोशिश करके देखें, प्रयास करके देखें। जैसे इसमें बात किसकी चल रही है? अच्छा यशोदा जी और शिशु है। शिशु मतलब बच्चा, और नाम जब यशोदा जी का आया है तो बच्चा कौन होंगे, मतलब बचपना किसका रहा होगा? तो श्री कृष्ण भगवान रहे होंगे। तो देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान के मुख में संपूर्ण माया की छवि देख ली थी, जिसके कारण क्षण भर को मतलब थोड़ी देर के लिए वह क्या हो गई थी, अचेत हो गई थी, मतलब शॉक्ड हो गई थी, जिसके कारण उनका जो कोमल देह था, काया थी, उनका जो शरीर था वो हिल भी नहीं सका था। भाई देखो नॉर्मल चीज तो नहीं देखी ना उनने। बिल्कुल सही आंसर, अद्भुत रस ही होगा। अद्भुत इसलिए होगा क्योंकि ये दृश्य बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने उनके मुख में एक ऐसी चीज देख ली थी जो कभी किसी के मुख में देखने को नहीं मिलती है। वात्सल्य रस भी नहीं हो सकता है क्योंकि कोई बच्चों की आनंद में क्रीड़ा थोड़ी ना हो रही थी। ये जो दृश्य था वो हर बच्चे के मुख में मिलता तो समझ में आता, पर ऐसा कुछ था नहीं। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। क्लियर? अगले रस की तरफ बढ़े, इसको ऐसे ही नोट करिएगा। अगले रस की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत,
खींचत जीभ ही स्यार, अति ही आनंद और धारत, अति ही आनंद और धारत। चलिए इसमें पढ़ें पहले और फिर आंसर दें कि कौन सा रस होगा। बहुत ही आसान है ये भी, पूरा पूरा ना निकल सके अर्थ तो थोड़ा थोड़ा निकालना है। कोई ऑफलाइन देखे बाद में तो उनके लिए भी बता दूं, आप प्रयास करिएगा। मैंने इसलिए इसे लाइन से नहीं लिखवाए ताकि आप इसे रट ना सको, समझ के आंसर दो, समझ के समझी हुई ना चीज़ लंबे समय तक याद रहती है, और रटी हुई चीज़ ना हम भूल जाते हैं क्योंकि कुछ समय बाद उसे फिर से भी तो पढ़ना पड़ता है और इतना समय रहता नहीं है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन समझ के अगर पढ़ोगे तो लंबा याद रहेगा वो। तो सिर पर बैठी हो काग, आंख दो घात निकारत। थोड़ा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। सिर पर कौन बैठा है? काग। काग मतलब होता है कौवा, और वो क्या कर रहा है? आंख दो घात निकारत, दोनों आंखों को निकाल रहा है और खा रहा है। खींचत जीभ ही स्यार, स्यार क्या कर रहा है? और जीभ को खींच रहा है और ऐसा करके उनके उर्को मतलब हृदय को बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन ये दृश्य देख के हमें बहुत घृणा आ रही है। कोई तुम्हारे आंखों के सामने किसी जीव की, पशु की या पक्षी की आंखें निकाल के खाएगा, जीभ निकाल के खाएगा, वहां से बहुत सारा खून निकलेगा तो तुम्हें मजा आएगा? नहीं आएगा ना, तुम्हें डर लगेगा? डर भी नहीं लगेगा, पहले तो तुम्हें घिन आएगी। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? विभत्स रस। हम जैसे रास्ते में चलते हैं तो कभी ऐसा कुछ हमें दिखता है ना तो हमें घिन ही तो आती है, डर थोड़ी लगता है। और ये कोई अद्भुत दृश्य भी नहीं है कि ये कभी देखने को ही ना मिला हो, पहली बार देखा हो, ये सारी चीजें होती रहती हैं, बस हमें घिन आती है। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है? विभत्स रस। चलिए फटाफट लिखिएगा इसे। चलो भाई अगले रस की तरफ अब हम बढ़ते हैं। कितने रस हो गए वैसे चेक करें? काफी सारे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। जसोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई साई कछु गावे, कबहु पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद मालिनी नंद मालिनी पावे।
बताएं भाई इसमें कौन सा रस है? बहुत ही आसान है ये, थोड़ा अर्थ निकालिएगा, बन जाएगा ये भी। चार लाइन के भी आ सकते हैं, छः के भी, या आपका रिटर्न एग्जाम है तो आप 2, 4, 6 आराम से इन लाइन्स का प्रयोग कर सकते हैं, इन पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा इतना बड़ा उदाहरण लिख दोगे तो। हाँ जी, समझे क्या? फिर आंसर या बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं बता सकते हैं तो फिर समझते हैं। बहुत ही आसान है, जैसे कि जसोदा यहाँ पे लिखा है। पहली चीज तो सारे शब्द जैसे मैंने लिखे ना वैसे ही लिखना, ऐ की मात्रा का प्रयोग इसमें ज्यादा हुआ है क्योंकि है ही उस उदाहरण में ऐसा। तो जसोदा मतलब यहाँ पे यशोदा जी के बारे में बात चल रही है, और हरि लिखा है, हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान। अलंकार का टॉपिक याद है ना, उसमें हरि हमने पढ़ा था, है ना? तो वहां पे भी हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान थे, और हरि का अर्थ वानर भी होता है, लेकिन वानर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो यशोदा जी क्या कर रही है, हरि यानी श्री कृष्ण भगवान को पालनी में झूला झूला रही हैं, और जब वो पालनी में उन्हें झूला झूला रही हैं तो वे उन्हें लाड़ प्यार कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, और उन्हें सुनाने की कोशिश कर रही हैं। वो सो नहीं रहे हैं तो वो उनके लिए कुछ लोरी गाने की कोशिश कर रही है ताकि वो सो जाएं। कबहू पलक हरि मूंद ले थे। अब छोटा बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को देख के सोने की एक्टिंग तो करते ही है, तो कभी क्या करते हैं वो अपनी पलकों को, अपनी माता जी को देख के मूंद लेते हैं, तो कभी अपने अधर, अधर मतलब होठों को फरकाने लगते हैं। और फिर यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं इस दृश्य को देखकर कि ये जो इतना अच्छा दृश्य चल रहा है, इस दृश्य की जो आनंद की अनुभूति है वो कौन उठा रही है, नंद मालिनी जी यानी यशोदा जी। हम सब मुनि इस दुर्लभ आनंद की अनुभूति नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की बाल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। बाल क्रीड़ा इसी प्रकार से होगी, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस होगा। कौन सा रस होगा, तो यहाँ होगा वात्सल्य रस, क्लियर? और ये एक ऐसी बाल क्रीड़ा है, बाल क्रीड़ा का ही वर्णन इसमें क्यों हुआ है, कोई दूसरा क्यों नहीं आया, क्योंकि एक ऐसी बाल क्रीड़ा है जो श्री कृष्ण भगवान ही नहीं हर बच्चा करता है। हम भी छोटे थे तो हम भी तो यही करते थे, ऐसा तो है नहीं कि मम्मी हमें सुला देती थी और हम एक बार में सो जाते थे, थोड़ा बहुत तो परेशान हम भी करते थे। तो वो चीज़ यहाँ पर हमारे लिए भी लागू होती है और हर बच्चे के लिए लागू होती है, इसलिए इसमें होगा वात्सल्य रस। चलो अगले रस की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो भाई, हाय राम, कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना शोक गया हमारे ही हाथों, अपना राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता परलोक, गया हमारे ही हाथों अपना राष्ट्रपिता परलोक। आंसर दो भाई, इसमें क्या आंसर होना चाहिए? पहली चीज तो राष्ट्रपिता कौन थे ये पता होना चाहिए, और वो परलोक सिधार गए हैं मतलब क्या हो गए हैं, या शोक की बात चल रही है उनकी हो गई मृत्यु। राष्ट्रपिता कौन थे, महात्मा गांधी, है ना? वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या है, करुण रस। ऐसा कुछ इसमें था नहीं कि जो ना समझ में आए, एक बार पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर होगा करुण रस। बिल्कुल सही आंसर है शाश्वत जी आपका। अगले रस की तरफ बढ़ते हैं, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, अगर आप ज्यादा नहीं थोड़ा मीनिंग निकाल पाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है? चलो अगले रस की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगले उदाहरण की तरफ। क्या पूजा क्या पूजा क्या अर्चन रे क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का
उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुत्तम जीवन रे। चलिए बताइए ऊपर वाले में कौन सा रस होगा। मैं एक और उदाहरण इसी के जैसा लिख रही हूं। ऊपर वाला सही दे दिया, मतलब नीचे वाला भी सही दे दिया। राम जपू बाबरी घोर भाव नीन निधि नाम निज नावरे। चलिए आंसर दीजिएगा कि इसमें कौन सा रस होगा। श्रृंगार। श्रृंगार कैसे हो सकता है? ऊपर वाले रस का आपने आंसर दिया श्रृंगार, और नीचे वाले का थोड़ी गड़बड़ हो गई है आपसे। कोई नहीं, अभी हम उसको सही करते हैं। अच्छा, श्रृंगार रस तो वहां होता है ना जहाँ नायक नायिका के बीच में प्रेम हो, तो ये पढ़ के तो कहीं नायक नायिका समझ में नहीं आ रहा है। या तो प्रेम हो रहा होगा उनके बीच में, या तो वियोग हो रहा होगा, और ऐसा कुछ भी इस उदाहरण में नहीं हो रहा है। क्या पूजा क्या अर्चन रे भाई, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भक्ति रस है। भक्ति में व्यक्ति इतना लीन हो गया है कि वो बोल रहा है कि क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर ही मेरा लघुत्तम यानी छोटा सा जीवन रे। तो भाई अपनी सारी चीज तो भगवान को ही समर्पित कर दी, और भगवान को ही जीवन का सब कुछ मान लिया गया है, तो इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस होगा। ऐसे कोई भी शब्द यहाँ आए नहीं है कि यहाँ पे श्रृंगार रस होना चाहिए। ठीक है, और देखो नीचे वाला तो बहुत ही आसान है, इसमें तो बिल्कुल किसी तरह के शक होना ही नहीं चाहिए। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे घोर भाव नीन निधि नाम निज रावरे। इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भक्ति के बारे में बात चल रही है, राम नाम जपने की बात चल रही है, तो यहाँ कौन सा रस होगा? भक्ति रस होगा। इसलिए मैंने ये उदाहरण साथ में दिए, क्योंकि दोनों ही किसका उदाहरण है? भक्ति रस का उदाहरण है। ऊपर वाला नीचे वाला मैंने पहले हिंट कर दिया था कि ऊपर वाले से मिलता जुलता दे रही हूँ, तो मतलब वही वाला होगा, कुछ और तो होगा नहीं। ठीक है, चलो कुछ उदाहरण और बाकी हैं, जल्दी से हम इसे कंप्लीट करते हैं। दो उदाहरण और देखेंगे। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरी भौन में करत हैं नैनु हिसो बात। इसके बाद एक उदाहरण और, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रस मैं बता चुकी हूँ आपको, सबके दो दो तीन तीन उदाहरण हो गए हैं। ये वाला उदाहरण पढ़ के बताइएगा कि इसमें कौन सा रस होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है वैसे, पर आप कोशिश करोगे तो बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर है श्रृंगार रस। क्यों है? क्योंकि यहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया है। कैसे किया गया है? कहत नटत रीझत खीजत। देखो एक दूसरे से बातें करते हुए, नायक नायिका के बारे में ही बात चल रही है ना, वो तुम्हें लिख के नहीं देंगे कि नायक नायिका ही है यहाँ पर, और वो तुम्हें सब मेंशन करके नहीं देंगे, तुम्हें निकालना पड़ेगा उसका अर्थ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, नायक नायिका एक दूसरे से बात करते हुए कहत नटत, यानी कि बात कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं,
और रीझत खीझत मतलब एक दूसरे से क्या है, गुस्सा गुस्सा है। रीझना मतलब ऐसा गुस्सा नहीं कि कभी बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा वाला जो गुस्सा होता है ना, तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रीझते हुए, मिलते हुए एक दूसरे से, और आपस में लजियाते हुए, भरे भवन में मतलब भरी महफिल में, सभी के सामने, आँखों ही आँखों में, नैनों ही नैनों में बात कर रहे हैं। और जब ऐसा कोई दृश्य आपके सामने होगा तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये दोनों के वियोग का वर्णन चल रहा है, नहीं ना, हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा रस होगा, तो यहाँ पर होगा श्रृंगार रस। और श्रृंगार में भी कौन सा, तो यहाँ पर होगा संयोग श्रृंगार, क्योंकि यहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन या उनके मेल का वर्णन किया गया है। क्लियर? इसलिए यहाँ पे कौन सा रस है, श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। एक लास्ट उदाहरण की तरफ और आते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है, और उदाहरण है, मैं ऐसा महावीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं, मैं ऐसा महावीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं, और अगर गुस्सा आ जाए तो, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं, कागज को मरोड़ सकता हूं। आंसर दो भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए, वीर रस है क्या? मैं ऐसा महावीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं, और अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं। वीरता तो नहीं जागृत हुई ना इसे पढ़ के, इसे पढ़ के क्या आई, हमें हंसी आई। इसलिए यहां कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। ऐसा कोई जिसे लग रहा है कि इसमें वीर रस है तो तुम बहुत बलवान हो, इसमें वीर रस कहीं से भी नहीं होगा। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो एक लड़का बिल्कुल आर्ग्यू ही करने लगा, नहीं इसमें वीर रस ही होगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हास्य रस है। तो भाई थोड़ा मीनिंग अच्छे से निकालिएगा, वरना आप भी ऐसे ही उलझोगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, रस के जो उदाहरण है वो यहीं कंप्लीट होते हैं। बाकी आपका काम ये रहेगा, प्रीवियस जितने हैं, वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारे बताए हैं, पर इसके अलावा और भी होंगे प्रीवियस, आपको क्या करना है, तो सारे सेट पेपर वो तो खैर लगाना ही लगाना है, अगर आपने अभी भी नहीं लगाया तो शुरू कर दो लगाना, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो आपके कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना, तो आप प्रीवियस लगाओगे, कई बार वही रिपीट हो जाते हैं, तो सबसे बेस्ट हमारे पास ये रहता है एक तरीका जानने का कि हम उसे सॉल्व करें। बाकी मैंने तो आपको काफ़ी करवाया ही है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक लेकर आऊँगी, छंद का टॉपिक एक बार देख लूँगी, क्योंकि इसमें सभी तरह के स्टूडेंट्स हैं, किसी के एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है तो एक बार हम देख लेंगे, और उसके बाद यदि छंद सबके एग्ज़ाम में आता होगा तो हम उसे पढ़ेंगे, और यदि किसी के एग्ज़ाम में नहीं आता होगा तो लास्ट में पढ़ेंगे, पर हाँ पढ़ेंगे ज़रूर, है ना। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, चलिए थैंक यू क्लास।